टाइम हो रही है सुबह के 5 और हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट, क्योंकि हमारी फ्लाइट है अराउंड 6:30 को। घर से हम निकले थे अर्ली मॉर्निंग 4:30 को और ट्रैफिक भी नहीं थी, और हम कैब से भी आ गए तो पहुंच गए अराउंड 5 o'clock। ये है स्टॉकहोम अरलांडा एयरपोर्ट और टाइम हो रही है अभी सुबह के 10:30। यहाँ के एयरपोर्ट और सारे स्टेशन भी बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। लगेज कलेक्ट करके हम पहुंच गए हैं अरलांडा स्टेशन, जहाँ से हमें ट्रेन मिल जाएगी हमारे होटल जाने के लिए। ये स्टेशन बहुत ही ब्यूटीफुल है, एक केव जैसी वाइब है यहाँ पे। सुबह 11:30 बजे भी ये स्टेशन कितना खाली है देखिए, शायद वीकेंड है इसलिए। अराउंड 25 मिनट्स ट्रेन में जाने के बाद हम पहुंच गए हैं स्टॉकहोम सेंट्रल स्टेशन, और यहाँ से हमारी होटल वॉकेबल डिस्टेंस में है। अराउंड 7 to 8 मिनट्स वॉक के बाद हम पहुंच गए हमारे होटल के पास। ये है होटल क्लैरियन, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया है। इसकी लॉबी में तो वो पूरा इंस्टाग्राम या फिर पिंटरेस्ट वाली पिक्चर्स जो दिखते हैं ना, वो वाली वाइब आ रही थी। काफ़ी सारे यूनिक पीसेस से यहाँ पे डेकोरेशन किया गया था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। हमारा चेक इन टाइम था 3 o'clock को, बट हम काफ़ी पहले पहुँच गए थे। हम पहुँच गए थे अराउंड 12 o'clock, तो हमारा रूम तो रेडी नहीं था, इसीलिए हमने प्लान किया कि यहीं पे लगेज ड्रॉप करके घूमने निकल जाएं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग व्लॉग। हाय गाइस, वी आर इन स्टॉकहोम। तो हम टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करके लगेज ड्रॉप करके निकल गए हैं घूमने के लिए। होटल के वॉकेबल डिस्टेंस के अंदर तो स्टेशन था ही, होटल के सामने हमें बस स्टॉप भी दिख गया, तो हम बस से निकल गए हैं। सिटी की चारों तरफ की ब्यूटी को एंजॉय करते हुए हम आगे बढ़े, लेकिन टाइम है पहले पेट पूजा की। मिल गया है हमें मैगडी रास्ते में, जो कि एक सेफ ऑप्शन है खाने के लिए, तो हमने लंच कर लिया है और उसके बाद पहुंच गए कोंगस्ट्रा गार्डन। ये जगह का नाम है कोंगस्ट्रा गार्डन, और यहाँ के लेफ्ट साइड में बहुत सारे कैफेज हैं और राइट साइड में पूरा गार्डन है। कोई फेस्टिवल भी चल रहा है शायद इसके अंदर, जिसकी आवाज़ बहुत आ रही है। ये सुंदर सा गार्डन को वॉक करके क्रॉस करने के बाद हमें दिख गया ये ब्यूटीफुल सा व्यू। ये है रिवर सोडेस्ट्रम विच कनेक्ट्स लेक मालरन विथ बाल्टिक सी। इट रन्स थ्रू सेंट्रल स्टॉकहोम, और इस रिवर में बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं। ये देखिए हमें क्या दिख गया है, ये एक बस है जो कि ओशन बस। ये बस ले जाएगा पहले 30 मिनट्स के लिए रोड पे सिटी टूर कराते हुए, और उसके बाद नेक्स्ट 30 मिनट्स ये रिवर के अंदर भी चलेगा बोट जैसा। ये बस ट्रिप तो हमारे प्लान में था नहीं, बट ये देखने से बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कभी ना कभी जाने से पहले एक बार ये बस ट्रिप ज़रूर करेंगे। बट अभी के लिए चलिए इस रिवर के साइड में वॉक करके चलते हैं। चारों तरफ की व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल तो है ही, ऊपर से ये सिटी एकदम से क्लीन है। ये ब्यूटीफुल व्यू के साथ वॉक करते करते हम पहुंच गए हैं स्टॉकहोम रॉयल पैलेस। स्टॉकहोम रॉयल पैलेस एक मस्ट विजिट अट्रैक्शन है स्टॉकहोम का। रॉयल पैलेस के अंदर जाने के लिए टिकट्स लगता है, और इसके अंदर बहुत कुछ है देखने के लिए, जैसे कि रॉयल अपार्टमेंट्स, द क्रॉनर म्यूजियम, द ट्रेजरी, म्यूजियम ऑफ एंटीक्विटीज, ऐसे बहुत कुछ है। सबका अलग अलग टिकट होता है, अगर आपको कोई एक ही चीज़ देखना है तो उसके लिए अलग अलग टिकट होता है, उसके साथ कंबाइंड टिकट भी होता है, तो हमने कंबाइंड टिकट ले लिया है ताकि सारी चीज़ एक साथ देख सकें। सबसे पहले हम आके पहुंच गए हैं द क्रॉनर म्यूजियम, इसके बाद एक एक करके हम ट्रेजरी, अपार्टमेंट सब देखेंगे, तो चलिए अंदर चलते हैं। ये एंट्रेंस में रखा हुआ है पूरा रॉयल पैलेस का मॉडल, जिससे समझ में आ जाएगा हमें क्या क्या देखना है और किस डायरेक्शन में जाना है। स्वीडिश हिस्ट्री में है ये रॉयल पैलेस में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। ईयर 1697 में एक बहुत बड़ी फायर ब्रेकआउट हुई थी, जिससे पैलेस के बहुत कुछ चीजें जल के राख हो गया था। क्योंकि पैलेस में ऊड का इस्तेमाल बहुत किया गया था, इसीलिए वो फायर को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो गया उस टाइम पे। ये क्रॉनर म्यूजियम में वही सब चीजें डिस्प्ले किया गया है जो उस फायर के बाद बच गया था।
इसीलिए ये पैलेस जैसे अभी दिख रहा है एग्जैक्टली वैसे था नहीं पहले से, इसे बाद में रिनोवेट किया गया है। इतना बड़ा फायर का रीजन कभी पता नहीं चला और वो मिस्टीरियस ही रह गया है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबल थे फायर डिपार्टमेंट का, उन लोगों को डेथ सेंटेंस से पनिश किया गया था। क्रॉनर म्यूजियम के बाद हम आ गए हैं रॉयल अपार्टमेंट्स और ट्रेजरी देखने, तो चलिए चलते हैं अंदर। ये रहे किंग और क्वीन के क्राउन्स। ये स्वीडन का रियल रॉयल क्राउन है जो कोरोनेशंस में यूज होते हैं। ट्रेजरी से निकल के हम आ गए हैं बाहर ये स्क्वायर पे। यहां से हमें दूसरे गेट से रॉयल अपार्टमेंट के अंदर जाना है, लेकिन एग्जैक्टली उसी टाइम पे हमें पता चला कि यहाँ पे अभी गार्ड चेंज होने वाले हैं। ये गार्ड चेंज प्रोसेस देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। एक तो ये ऐसी जगह पे होती है जो कि आप मिस कर ही नहीं सकते अगर आप उस एरिया में हो। पैलेस के सामने जो बहुत बड़ा सा प्लेस है, यहाँ पे ही होता है ये गार्ड चेंज प्रोसेस। और जैसे ही ये शुरू होता है, शुरू होने से 5-10 मिनट पहले ही सारे टूरिस्ट या फिर बहुत सारे लोगों की भीड़ जम जाती है यहाँ पे। ये गार्ड चेंज प्रोसेस अराउंड 35-40 मिनट्स टोटल चलता है। मैंने यहाँ पे कुछ ही क्लिप्स लगाया है, अदरवाइज वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता। एक एक करके हर एक गेट का गार्ड जो है वो चेंज होते हैं और ये लोग पूरा राउंड लगा के वापस आते हैं। गार्ड चेंज प्रोसेस देखने के बाद हम फाइनली निकल गए हैं रॉयल अपार्टमेंट्स के लिए। ये है स्वीडिश क्वीन का सिल्वर थ्रोन। ये सारे स्वीडिश मोनार्क का अवार्ड्स जो है डिस्प्ले किया गया है। यहाँ पे आप चाहो तो खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो या फिर गाइडेड टूर भी ले सकते हो। फाइनली हो गया है खत्म हमारा रॉयल पैलेस टूर और हम आ गए हैं बाहर। ये एरिया का नाम है गैमलास्टान, जहां पे ये रॉयल पैलेस है।
और इसी गैमलास्टान में रॉयल पैलेस से कुछ ही दूर में है एक और छोटा सा पब्लिक स्क्वायर, जहाँ पे आपको सबसे पहले दिखेगी रेड और ऑरेंज अट्रैक्टिव बिल्डिंग। इंटरनेट पे अगर आप स्टॉकहोम सर्च करो तो ये रेड ऑरेंज बिल्डिंग सबसे पहले दिखती है, जो कि एक लैंडमार्क प्लेस है। और ये फेमस रेड ऑरेंज इंस्टाग्रामेबल बिल्डिंग के राइट साइड में आपको दिख जाएगी नोबेल प्राइज म्यूजियम। तो चलिए चलते हैं अंदर। एंड दिस नोबेल प्राइज म्यूजियम गिव्स ऑल द एसेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्राइज इन द वर्ल्ड। पूरे म्यूजियम को घूमने के लिए यहाँ पे गाइडेड टूर मिलती है बोथ स्वीडिश और इंग्लिश लैंग्वेज में। और क्या आपको पता है कि ये नोबेल प्राइज म्यूजियम बनाया गया था 2001 में, और 2001 में ही नोबेल प्राइज सेलिब्रेटेड इट्स 100 ईयर्स। अल्फ्रेड नोबेल द फाउंडर ऑफ डायनामाइट, ही वॉज अ केमिस्ट, इंजीनियर, इनोवेटर एंड एंटरप्रेनर, वो खुद ही स्वीडिश थे, इसीलिए नोबेल फाउंडेशन एंड नोबेल प्राइज म्यूजियम सारे स्वीडन में ही है। हो गया है नोबेल प्राइज म्यूजियम का टूर। आज बहुत कुछ नोबेल प्राइज के बारे में और स्वीडिश हिस्ट्री के बारे में सुन लिए और पढ़ भी लिए, साथ साथ देख भी लिए। इनफ ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर टुडे, तो चलिए अब चलते हैं, थोड़ा चिल करते हैं। और हम आ गए हैं अभी ये गैमलास्टान वाटर फ्रंट एरिया, यहाँ पे कुछ देर बैठेंगे और चिल करेंगे। यहाँ कुछ मिनट वेट के व्यू एंजॉय करने के बाद हमें लगा हमें अभी चलना चाहिए, ताकि हम होटल में चेक इन भी कर सके, जो कि हम दोपहर को नहीं कर पाए थे, और उसके बाद टाइम पर डिनर भी कर सके। जिस गार्डन के थ्रू वॉक करके हम आए थे दोपहर को, अब वापस उसी रास्ते ही जाना है। दोपहर को आते हुए हमने सुना था यहाँ पे कुछ फंक्शन चल रहा है जिसकी आवाज़ बहुत आ रही थी, तो चलिए अब उसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं, अभी भी चल रही है वो। यहाँ पे चल रहा है कोरियन कल्चरल फेस्ट, कोरियन बॉयज का एक अमेजिंग परफॉर्मेंस हमने देखा और इसके बाद हम यहाँ से निकल गए। वापस आ गए हैं वही स्टॉप कुंगस्ट्रा गार्डन, जहाँ से हम सुबह गए थे। यहाँ से हमें बस या ट्राम मिल जाएगी हमारे होटल तक। तो हम फाइनली आके पहुँच गए हैं हमारा होटल और चेक इन कर लिए हैं। होटल का लॉबी तो मैंने आपको दिखाया ही था सुबह, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल था। रूम भी अच्छा ही है, पर थोड़ा छोटा है, बट इट्स ओके। तो होटल में चेक इन करने के बाद हम निकल गए हैं डिनर करने, और लकीली डिनर करने के लिए हमारे होटल के सामने ही बस 2-3 मिनट वॉकेबल डिस्टेंस के अंदर हमें दिख गया है एक इंडियन रेस्टोरेंट। हमें मिल गया एक बहुत ही कोजी सा प्लेस, जहाँ पे हमने अच्छे से डिनर एंजॉय किया। पता नहीं फूड रियली टेस्टी था या फिर हमें बहुत भूख लग रही थी इसीलिए बहुत अच्छा लगा, जो भी हो हमें बहुत ही अच्छा लगा डिनर। फॉरेन लैंड में अगर आपको इंडियन डिनर मिल जाए तो उसकी बात ही अलग होती है। डिनर के बाद हम सीधा चले गए रूम में रेस्ट लेने, क्योंकि हम बहुत अर्ली उठ के गए थे लंदन से और बहुत थक चुके थे। तो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से स्टॉकहोम से। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।